Okay, hey guys. Good morning. Good afternoon. Good evening. Whenever you are watching this particular video, so first of all, I welcome you all on our channel. And before I move further, I would love to introduce myself. My name is Ruchi Goel, and I am an ACC affiliate. So I am in AA and AAA faculty at Elance. Now, I aage bhendiye se pehle, main ye batana chahiye ki akir maine ye topic choose ki Okay. क्या होता है हम जब डिसाइड करते हैं कि ऑडिटर कौन सा ओपिनियन देने वाला है तो यूजुअली दो क्राइटेरिया होते हैं मटेरियलिटी मटेरियलिटी एंड राइट वाला क्राइटेरिया हम बहुत क्लियर होते हैं एज अ स्टूडेंट से हमने मिस स्टेटमेंट देखी हमने उसकी मटेरियलिटी कैलकुलेट करी एंड हमने फाइनली बोल दिया कि ये स्टेटमेंट मटेरियल है या इन मटेरियल है ये इतना आसान क्यों था ये इसलिए आसान था बिकॉज़ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ने हमें चिल्ला चिल्ला के परसेंटेजेस दे दिए ठीक है एंड उसके बेसिस पे हम अपनी मटेरियलिटी को जज कर लेते हैं और ये बहुत ही इजी क्राइटेरिया बन जाता है कि यार ठीक है अगर चीज मटेरियल है तो हम बोलेंगे मटेरियल है एंड हमारा ओपिनियन मतलब एक क्राइटेरिया

Right? So, कैलकुलेट करके हम मटेरियलिटी वाला तो क्राइटेरिया मैम कर लेते हैं अपने आंसर में एंड नाइंटी नाइन परसेंट ऑफ टाइम्स वो हमारा गलत नहीं होता हम फिसलते कहाँ पे हैं हम फिसलते हैं

क्या वो मटेरियल है परवेसिव है क्या वो दोनों है क्या वो मटेरियल भी नहीं है क्या वो परवेसिव भी नहीं है ठीक है तो जब हम जज करेंगे हम डिसाइड करेंगे कौन सा ओपिनियन हम ये दो क्राइटेरिया देख रहे हैं ठीक है नाउ बाय दिस इज अ कंफ्यूजिंग एरिया आई वुड लव टू टेल यू क्यों बच्चे कंफ्यूज होते हैं बिकॉज हमें ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ने बोला है की परवेसिवनेस इज मेनली आस् पर द ऑडिटर्स जजमेंट जहां पे ये जजमेंट वाली चीज आ जाती है ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है राइट right? तो इसलिए क्या होता है स्टूडेंट्स गेट बिट कंफ्यूज्ड एंड है यहाँ पे चीजें थोड़ा गलत होने के चांसेस हो जाते हैं नाउ लेट्स सी व्हाट एग्जामिनर हैज टू से अबाउट इट सो ये कहां से निकाले गए हैं ये जो भी अभी आने वाला है इन दी कमिंग स्लाइड्स ये सारे हमारे एग्जामिनर रिपोर्ट से है स्पेशली दिस पर्टिकुलर स्लाइड ठीक है अब एग्जामिनर क्या कहता है रिलेटिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक कैंडिडेट्स ऑफन स्ट्रगल विद द कंसेप्ट ऑफ परवेसिवनेस सो इवन एग्जामिनर्स ने भी नोटिस किया है कि स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे हैं इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक ही एक्चुअली यू नो मेंशन इन वेरी एरिया कि हम मटेरियलिटी से स्ट्रगल कर रहे हैं बट ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस अगर तुम एग्जामिनर रिपोर्ट्स पढ़ोगे तो एग्जामिनर ने लिटरली बोला है कि पीपल आर स्ट्रगलिंग विद द कंसेप्ट ऑफ पर देखो अब क्या होता है हम एज अ डबल ए और ट्रिपल ए स्टूडेंट हम लिख देंगे

Why? क्स्ट टाइम why तो जब भी हम आंसर लिखेंगे चाहे हम ये लिख रहे हैं कि वो परवेसिव नहीं है या हम ये लिख रहे हैं कि वो परवेसिव है दोनों ही सिनेरियो में हम अपना वाई देंगे ओके okay? नाउ अब एक ना ये थिंकिंग होती है स्टूडेंट्स की अगर मेरा प्रॉफिट से कोई भी मिस स्टेटमेंट अगर मेरे प्रॉफिट्स के लॉस को चेंज कर दे या लॉस को प्रॉफिट में चेंज कर दे तो वो परवेसिव हो जाती है इससे बियॉन्ड एक स्टूडेंट सोचता ही नहीं अगर अब तुम्हें ये कंसेप्ट नहीं पता आई विल टेल यू मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ लेट से प्रॉफिट इज ठीक है से का प्रॉफिट है ठीक है एंड तुम्हें एक मिस स्टेटमेंट मिली जो ट्वेंटी थाउजेंड की थी एंड नाउ दिस हैज एक्चुअली है अगर मेरा प्रॉफिट लॉस में हो गया या लॉस मेरा प्रॉफिट में हो गया तो ये परवेसिव है यस दिस इज बट थिंग्स आर बियॉन्ड ठीक है तुम्हें इसके बियॉन्ड सोचना पड़ेगा एंड दिस इज नॉट दन क्राइटेरिया टू डिसाइड कि यह परवेसिव है या परवेसिव नहीं है फाइन सो एग्जामिनर भी कहते हैं ये हमेशा नहीं होता ठीक है अ स्मॉल चेंज दैट कैन कन्वर्ट अ प्रॉफर्ट टू अस ड्यू टू सिंगल स्पेसिफिक एलिमेंट मे नॉट बी कंसिडर्ड एज पर Fine, तो अगर तुम दिमाग में सिर्फ ये चीज चिपकी हुई कि यार अगर कोई मिसस्टेटमेंट प्रॉफिट से लॉस या लॉस से प्रॉफिटिव होगी मटेरियल टू बी pervasive as i discussed why is very important in your answer

कि यार मेरी मिस स्टेटमेंट इतनी ज्यादा इम्पैक्टफुल है मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कि उसने एज अ होल उसके ऊपर इम्पैक्ट लाया कभी कभी स्टूडेंट्स मतलब ही नहीं समझते ठीक है सो दिस इज द मेजर थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग फर्स्ट फाइन सो अगर मैं मीनिंग भी पढ़ू दिस इज अ टर्म यूज टू डि by describe the effect or the possible effect on financial statement. ठीक है Now, pervasive, अगर मैं ये देखू इन ब्रीफ पर होल फिनेशियल स्टेटमेंट अन्य सो अगर तुम्हें सिंपली वर्ड में याद रखनी है बिकॉज एग्जामिन यू नो एग्जाम में सबको पता है कि आगे मुझसे कोई डेफिनेशन ऑफ परवेसिवनेस नहीं पूछने वाला मुझे अपने लिए समझना पड़ेगा कि परवेसिवनेस होता क्या है तो इट इज नथिंग बट दी Impact, जो मेरे फिनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल को इम्पैक्ट करेगी फाइन आई होप द मीनिंग इज क्लियर ना देर आर थ्री टाइप्स ऑफ पर बहुत इम्पोर्टेंट है समझने के लिए बिकॉज अभी तक तुम्हें अगर मैं बोलूँ तो प्रॉफिट से लॉस लॉस से प्रॉफिट वाली डेफिनेशन ही पता है राइट सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दट डू इट इज बियॉन्ड इट ठीक है इससे भी ज्यादा चीजें एग्जिस्ट करती है थ्री दैट आर नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एलिमेंट अकाउंट और आइटम्स इन दिनेंशियल स्टेटमेंट राइट एक ऐसी मिस स्टेटमेंट जो एक स्पेसिफिक एलिमेंट अकाउंट या आइटम

Now, इस का क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है इनफ्लेटेड दिखेंगे राइट दिखेंगे, right? मेरी बैलेंस शीट में रिसीवेबल्स का गलत बैलेंस हो सकता है राइट right? मेरे कैश फ्लो में अगेन रिवेन्यू से आया हुआ कैश वो भी गलत रिकॉर्ड होगा या उससे जो फिगर्स आ रही है वो भी गलत रिकॉर्ड होंगी तो तुम देख रहे हो एक पर्टिकुलर फिगर द रिवेन्यू इंपैक्टिंग माय मल्टीपल थिंग्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट राइट इट इज इंपैक्टिंग माई इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट एंड योर कैश क्लोज कभी कभी डिस्कलोजर्स भी इंपैक्ट होते हैं तो एक पर्टिकुलर आइटम ने मेरे मल्टीपल इम्पैक्ट मल्टीपल मिस कर दी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अगेन वाइड स्प्रेड इफेक्ट ये पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड हो गया ठीक है तो यहाँ पे क्या हुआ यहाँ पे सिर्फ एक चीज नहीं इम्पैक्ट हो रही थी दैट इज इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे मल्टीपल चीजें इंपैक्ट हो रही है ड्यू टू दैट पर्टिकुलर सिंगल

ऑडिट तो कर रहे हो एक हाउस बिल्डिंग कंपनी का ठीक है यू आर ऑडिटिंग अ हाउस बिल्डिंग कंपनी अब हाउस बिल्डिंग कंपनी थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं, ठीक है लेट से उसने वन um, ईयर में फिफ्टी हाउसेस कंस्ट्रक्ट किया ठीक है सो यू आर ऑडिटिंग फॉर द इफ़ टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री टू ट्वेंटी फोर एंड उस ड्यूरेशन उस पर्टिकुलर ईयर में उस पर्टिकुलर कंपनी ने पचास हाउसेस कंस्ट्रक्ट करे है। अब ये हाउसेस कहाँ आने चाहिए अगर मैं बोलू हाउस बिल्डिंग कंपनी है अगर उसने क्रिएट किया यू नो कंस्ट्रक्ट किए तो ये कहाँ आने चाहिए हमारे इन्वेंट्री में राइट right? बिकॉज उसका वो बिजनेस है बट कंपनी ने क्या किया कंपनी ने इसे नॉन करेंट एसेट में शो कर दिया राइट सो इंस्टेड ऑफ शो केसिंग दिस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन हाउसेस इन्होंने क्या किया नॉन करेंट एसेट में शो कर दिया इंस्टेड ऑफ द इन्वेंट्री राइट एंड सिंस ये इनका बिजनेस है ऑफ़ कोर्स यार दिस रिप्रेजेंट 90 परसेंट ऑफ टोटल एसेट अब क्या हो रहा है दो ये सिर्फ एक ही चीज इससे रिलेट कर रहा है दैट इज द इन्वेंट्री जो पूरी मिसस्टेटेड है ठीक है बट स्टिल ये क्या है सबस्टैंशियल पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है सबस्टियल इंपैक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है एंड हेंस ये मेरा परवेसिव हो जाता है ठीक है सो पहले केस में हमने क्या देखा था एक ऐसी मिसस्टेटमेंट जो मल्टीपल चीजें इंपैक्ट कर रही है मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एंड सेकेंड एक ऐसी पर्टिकुलर चीज जो मेरी एक ही एलिमेंट इंपैक्ट कर रही है बट इट इज लीडिंग टू दबस्टैंशियल पोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओके नाउ द थर्ड कम्स टू दोंडामेंटल टू द डिस्क्लोजर्स व्हिच आर फंडामेंटल टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नाउ लेट्स से तुम्हारे डिस्कलोजर ही इनकम्प्लीट है फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस पे नहीं बने ठीक है एंड तुम्हारी उसके रिलेटिंग रिलेटेड इनकम्प्लीट यूजर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक यूजर के लिए डिस्क्लोज करना कि यू you नो know, एक अगर अगले से मैं किसी कंपनी के फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का डिस्क्लोजर रीड कर रही हूँ एंड उसमें यही नहीं लिखा कि ये गोइंग कंसर्न बेसिस पे नहीं बने तो ऑफ एज अ यूजर आई एम अनअवेयर ठीक है तो इट इज इंपैक्टिंग द डिस्क्लोजर ऑफ द कंपनी जो एक यूजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे नाउ दीस डिस्क्लोजर्स आर इनकंप्लीट राइट एंड हेंस ये मेरा क्या हो गया परवेसिव हो गया फाइन सो so, अब आई एम श्योर की हम प्रॉफिट से लॉस एंड लॉस से प्रॉफिट वाली सिचुएशंस से थोड़ा सा आगे आ गए हैं एंड अब हम एक मिस स्टेटमेंट को इन क्राइटेरिया में थोड़ा सोचने की कोशिश करेंगे फाइन नाउ लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल उठाया है अगर तुम डबल ए एन किट खोल के देखो उसमें एक क्वेश्चन है पाइन एपल बीच होटेन करके ठीक है उसमें से ये मैंने एक छोटा सा पार्ट उठाया है जहां पे देखो उसने क्या बोला कि टुडे इज फर्स्ट सितंबर टू थाउजेंड फिफ्टीन लेट से वो क्या यू you नो know, क्या इंडिकेट करी है डायरेक्टर्स बिलीव फूड पॉइंजनिंग क्लेम इज अप्रोप्रिएटली अकाउंटेड एंड डिस्कलोज इन द फांशियल स्टेटमेंट तो एक रिपर्न रिप्रेजेंटेशन लेटर है जो डायरेक्टर्स को दिया गया है जिसमें ये सारी चीजें इंक्लूडेड है बट डायरेक्टर्स हैव स्टेटेड दैट दे विल नॉट साइन द रिप्रेजेंटेशन दिस ईयर। ओके नाउ व्हाट वुड बी द इंपैक्ट ऑन ऑडिटर्स रिपोर्ट ठीक है तो हमें अभी एज ऑफ नाउ ये डिसाइड करना है कि ये परवेसिव है या नहीं है आई विल यू रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेटर में क्या बात हो रही है written representation letter में हम सारा डायरेक्टर से कंफर्मेशन ले रहे हैं है कि यू you नो know, सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपरली प्रिपेयर हुई है फाइन एंड उन्होंने सारी रिकॉर्ड की है ट्रांजेक्शन कन्फर्म कर रहे हैं ठीक है नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फाइन अगर डायरेक्टर्स ये साइन करने से मना कर देंगे तो मेरे दिमाग में एक मैनेजमेंट इंटेग्रिटी को लेके डाउट आता है फाइन एंड ये मटेरियल, ये पूरा मिसस्टेटमेंट विल बी कंसीडर ये पूरा मैटर विल बी कंसीडर्ड एज मटेरियल एंड परवेसर फाइन सो डिड यू सी कि दो यहाँ पे हमने किसी पर्टिकुलर मैटर मतलब प्रोविजन या गोइंग कंसर्न या इन सब चीज से रिलेट नहीं किया बट स्टिल हमने अपनी जजमेंट लगाई हमने ऑडिटर्स जजमेंट लगाई एंड

कि ये सब चीजें ठीक है तो वाई आर यू नॉट साइनिंग नाउ वेर इट कम्स टू ट्रिपल ए स्टूडेंट्स ट्रिपल ए स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई तो कर लेते हैं ठीक है कि ये मटीरियल है और परसिव है वो कहा लैक करते हैं ये बात बताते हो हम क्या करते हैं एज अ स्टूडेंट हम कभी जस्टिफिकेशन नहीं देते ट्रिपल में पूरा हंड्रेड मार्क्स का हमें लिखना पड़ता है राइट right? हम जल्दी जल्दी में ये भूल जाते हैं कि हम वाई हम अपने आंसर का रीजन नहीं दे रहे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पर्टिकुलर आंसर की बात करूं तो यहाँ पे इसने बोला ऑडिटर ओपिनियन शुड बी मॉडिफाइड क्यों क्योंकि ये मटेरियल है बट है एक स्टूडेंट यहाँ पे आंसर खत्म कर देगा गाइस यहाँ पे तुम्हारे मार्क्स कटेंगे ठीक है यहाँ पे तुम्हारे प्रोफेशनल मार्क्स कटने के बहुत चांसेस होते हैं यहाँ पे तुम्हारे क्रेडिट्स कटने के चांसेस होते हैं क्यों क्यों मैम क्योंकि तुमने इसका आंसर नहीं दिया वाई यू सेट कि ये मिसस्टेटमेंट परवेसिव नहीं है यू हैव टू राइट कि ये परवेसिव इसलिए बिकॉज दिस कन्फाइन टू द स्पेसिफिक अकाउंट ठीक है account, जो मेरा सबस्टल पोर्शन इंपैक्ट नहीं कर रहा फाइट सो यू नीड टू ऑलवेज मैं योर आंसर स्पेशली ट्रिपल ए स्टूडेंट्स फाइट तो दिस वॉज दिस्टेक जो ट्रिपल ए स्टूडेंट करते हैं एज पर दिस पर्टिकुलर टॉपिक अब एक और चीज बताना चाहूंगी अगर तुम आंसर देखो लेट से कभी कभी क्या होता है हम अगर पीछे जाके एग्जाम यू नो आंसर देख रहे हैं तो उसने परवेसिव हमें बताया होता है बट एज पर माय जजमेंट अगर मैं प्रॉपरली जस्टिफाई कर पा रही हूँ कि ये परवेसिव मिसस्टेटमेंट नहीं है यू विल बी गिवन क्रेडिट सो मेक श्योर वट एवर यू आर सेइंग यू हैव इनफ जस्टिफिकेशन यू हैव इनफ एक्सप्लेनेशन कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो फाइन सो मेक श्योर जब भी हम अपने आंसर लिख रहे हैं कि वो परवेसिव है या वो परवेसिव नहीं है हम उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं साइन तभी जाके तुम्हें उसके मार्क्स मिलेंगे सो दट सेट दिस दिस पर्टिकुलर वीडियो आई होप इट हेल्प यू आई होप इट हेल्प यू टू एक्सप्लेन यू नो अंडरस्टैंड की हम क्या बोलना चाह रहे हैं हम कहा गलती कर रहे हैं इन दाम so thank you so much for watching this video i'll see you in the next video bye-bye tada -ta.